जी, तो हम जो है वो नाश्ता करने आ चुके हुए हैं, और आपको बताया था कि जो सुबह का नाश्ता है वो यानी कि हमारा जो एक्सपेंस है यानी कि जो रेंट था होटल का उसके अंदर ही शामिल था। बूफे लगा हुआ है जी, ये अब चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या शामिल है। नाश्ता आ गया है जी, वो जो मैंने सामने आपको दिखाया था कि बूफे लगा हुआ है ये वाला, वो खाली थे, उसमें कुछ नहीं था। उन्होंने कहा जी कि हमें बताएं आपने क्या खाना है, तो हमने कहा जी कि आमलेट बना दें। उन्होंने जो है वो हमें आमलेट जो है वो बना दिया, और ये साथ नान है और साथ जो है वो कावा है जी। और आप क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। पैदल सफ़र उकाड़ा से मक्का मुकरमा का आज डे 51 है। रात को हमने नेरीज़ में होटल में स्टे किया था, और अब कुछ वक्त हो चुका हुआ है जी कि हमने अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो कर दिया हुआ है। पीछे आप जो है वो मेरे नेरीज़ शहर देख रहे हैं। अभी शहर में से निकलते निकलते कुछ वक्त जो है वो लग जाएगा, और आज आसानी के साथ जहाँ तक सफ़र हो सका इंशाल्लाह जी सफ़र करेंगे। और कल वाले व्लॉग में भी मैंने आपको कुछ जो है वो नेरीज़ शहर दिखाया था, और अभी मज़ीद मैं कोशिश करता हूँ कि इस शहर से निकलते निकलते आप लोगों को मज़ीद नेरीज़ शहर जो है दिखा सकूँ। नेरीज़ शहर जो है जी काफ़ी खूबसूरत शहर है, बिल्कुल पहाड़ों के अंदर बनाया हुआ है। जैसे हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं, और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ बहुत सारे शहर जो हैं आते हैं, उसी तरह ईरान का ये एक नेरीज़ शहर है। चलिए आपको दिखाता हूँ। सामने जो आप देख रहे हैं बाग जी, ये इनार का बाग है, और इस वक्त जो है आपको यहाँ बहुत ज़्यादा इनार तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये आप देख सकते हैं जी एक दो और कोई इक्का दुक्का करके जो इनार हैं जी वो लगे हुए हैं। और बहुत ज़्यादा इनार इस वक्त नहीं है क्योंकि सीज़न इनार का जो है वो नहीं है। तो ईरान के अंदर भी जी देख कर बड़ा अच्छा लगा, चूँकि काफ़ी देर से है वो वीराने वाली जगहों से गुजर रहे थे। लेकिन कल भी आपको मैंने जो है वो एक बाग दिखाया था, और पिस्ते वाला मैंने आपको दिखाया था, और आज ये इनार वाला बाग जो है वो नज़र आया है। और नेरीज़ शहर से जी हम तकरीबन जो है वो इस वक्त बाहर निकल चुके हुए हैं। नेरीज़ शहर से बाहर निकल चुके हुए हैं, और अब हम जो है इस्तेहबान की तरफ जा रहे हैं जी। आज का स्टेज है इंशाल्लाह इस्तेहबान में होगा, और धूप जो है वो हल्की सी निकली हुई है, हल्की सी। और शुक्र है जी कि फिल वक्त जो हवा है फिल वक्त आस्ता हुई हुई है, हल्की हल्की हवा चल रही है। सुबह जब सफ़र शुरू किया था उस वक्त जो हवा है काफ़ी तेज़ चल रही थी, लेकिन फिल वक्त जो है वो हल्की हुई हुई है जी। अल्लाह करे कि हवा जो है वो हल्की ही रहे, ताकि सफ़र जो है वो आसानी के साथ तय हो जाए। हवा जब बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है, जिसकी वजह से हाथ पाँव जो है वो सारे यानी कि आप समझें कि फ्रीज हो गए होते हैं। सफ़र जारी है, और अगर मैं आपको अपने बाएं साइड पे दिखाऊं तो ये सारी टाइल्स की फैक्ट्री हैं जी, और यहाँ पर टाइल्स जो हैं वो बन रही हैं, और काफ़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो साथ साथ हैं, और टाइल्स का जो काम है वो चल रहा है। और धूप जो है जी वो भी बस कभी थोड़ी सी निकल आती है, और कभी जो सूरज है वो बादलों के पीछे चला जाता है, इसी तरह से सिलसिला जो है वो जारी है। Thank you.
सहरा शुरू हो चुका हुआ है, और लेकिन सफ़र जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ जारी है जी। लेकिन अभी कुछ ना कुछ जो है वो एक आधी बिल्डिंग कुछ ना कुछ जो है वो नज़र आ रहा है जी। देखते हैं अभी ये एक आधी बिल्डिंग जो कि अभी तक नज़र आ रही है ये कहाँ तक जो है वो नज़र आएगी, और मुकम्मल जो सहरा है वो कहाँ से जो है वो जाके शुरू होता है। सीन ये है जी कि अस्तहबान जो है वो पहुँच चुके हुए हैं, और सुबह जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज अल्लाह का शुक्र है हवाएं जो हैं वो काफ़ी कम जो है वो चल रही हैं, और उसके बाद से ही जो है हवाएं इतनी तेज़ शुरू हो गई कि बस, और हवाएं तेज़ चलने का मसला नहीं होता, हवाएं जो हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, जिसकी वजह से जो है फिर आपके हाथ तक भी, जैसे मैंने आपको बताया है कि हाथ तक भी सुन्न हो जाते हैं और मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल वैसे ही मैंने दो बैग पहने होते हैं, एक पीछे पहना होता है एक आगे पहना होता है, और मोबाइल वगैरह निकालना भी मुश्किल होता है, फिर बिराना होता है और दिखाने लायक कुछ होता भी नहीं है, तो इसलिए ज़रा बहुत ज़्यादा क्लिप्स मैं नहीं बनाता। तो बहरहाल जी अब अस्तबान पहुँच चुके हुए हैं, होटल ले लिया हुआ है, तो होटल तो फिर बाद में आपको जाके दिखाऊंगा, अभी बाहर निकले हैं अस्तबान देखने के लिए। साथ साथ जी आपको भी दिखाता हूँ कि अस्तबान शहर जो है कैसा है। माशाल्लाह जी अस्तबान शहर भी बहुत अच्छा है, नरीज की तरह ये भी पहाड़ों के अंदर मौजूद है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। हम निकले हैं बाहर, एक तो शहर देख लें और दूसरा खाने के लिए भी कुछ मिलता है तो खाने के लिए भी फिर खाना खाते हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत जो है इन्होंने बनाया हुआ है, यह टोकरी बनाई हुई है और टोकरी के अंदर इन्होंने जो है वो अपनी तरफ से जी कोई फल फ्रूट जो है वो रखे हुए हैं। अब इन्होंने पता नहीं ये कौन सा फ्रूट जो है वो सोच समझ के रखा हुआ है, तो बहरहाल जी लेकिन बहुत ज़बरदस्त और अच्छा जो है ये इन्होंने बनाया और अच्छा जो है मंज़र जो है वो पेश कर रहा है। इसके अलावा ये देखें जी इधर ये अस्तबान के रोड्स वगैरह हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। और ये जी इनका चौक है सामने, और ये चौक के अंदर जो है जी आप देख सकते हैं ईरान के जो है वो झंडे लगे हुए हैं, तो इनके शहरों में माशाल्लाह इनके काफ़ी चौक वगैरह होते हैं और काफ़ी अच्छे इन्होंने वो बनाए हुए होते हैं, और काफ़ी यहाँ पर इन्होंने स्टैचू वगैरह भी लगाए होते हैं, लेकिन वो स्टैचू जो हैं इन्होंने इंफॉर्मेशन और मालूमती तौर पे लगाए होते हैं। यानी कल वाले व्लॉग में भी मैंने आपको यानी कि नरीज में दिखाया था स्टैचू बने हुए थे, और उनके हाथ में जो हैं वो किताबें थी और यानी कि वो शो करवा रहे थे कि वो जो है वो पढ़ रहे हैं। तो ईरान के जो शहर हैं जी इन लोगों ने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, वेल मैनेज्ड हैं और बड़े अच्छे हैं, और रोड्स जो हैं ये देखें सारे रोड्स आप खुद भी देख रहे होते हैं, यानी जितना मैंने आपको दिखाया है वो यानी कि सारे जो हैं साफ़ सुथरे होते हैं, और ये सफाई का जो है वो बड़ा ख्याल रखते हैं। हमने देखें जी बच्चों के लिए कितने खूबसूरत जो हैं उन्होंने झूले बनाए हुए हैं, ये भी इनका पार्क है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके पार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे इन्होंने बनाए होते हैं, और इनके हर पार्क के अंदर जो है वो मैक्सिमम इन्होंने बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाए हुए होते हैं ताकि बच्चे छोटे बच्चे जो है वो आकर इन्जॉय कर सकें, और मैक्सिमम इन्होंने बेंच भी रखे होते हैं और डस्टबिन्स वगैरह जो हैं वो तो आपको वैसे ही नज़र आती हैं, इनके रोड्स पर भी लगी हुई होती हैं और ये लोग इनको इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये देखें जी ये पार्क भी जो है ये इन्होंने काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है।
वो मस्जिद मैंने आपको बाहर से दिखाई है, वो मस्जिद देखें जी। अब मैं अंदर आकर जो है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत जो है और प्यारी जो है ये मस्जिद बनाई हुई है इन्होंने। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी, ये चेक करें। और यहाँ पर ख़वातीन और मर्द जो हैं वो आपको सारे ही नज़र आ रहे हैं। इनकी मस्जिद के अंदर मेरे ख्याल से ईरान में यही कल्चर है कि मर्द और ख़वातीन जो हैं वो सारे ही आते हैं। और अंदर इनकी जो नमाज पढ़ने की जगह होती होगी वो शायद, बल्कि कंफर्म बात है कि अंदर इन्होंने वो अलग अलग बनाई होगी, लेकिन वैसे यहाँ पर मस्जिद के अंदर आप देख भी रहे हैं जी, आपको मर्द भी नज़र आ रहे हैं और ख़वातीन जो हैं वो भी आपको जो है वो नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, हम खाना खाने आए हैं और ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ इन लोगों ने खाने का जो सिस्टम है, जो सेटअप है वो कितना अच्छा बनाया हुआ है। बाहर इस वक्त जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है और सर्दी काफ़ी है, हवा काफ़ी चल रही है, लेकिन ये इन लोगों ने ये देखें जी, ये एक टेबल टाइप बड़ा रखा हुआ है, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी होता है और तकिए वगैरह पड़े होते हैं, इन्होंने ये टेबल वगैरह रखा हुआ है और साइड पे इन्होंने चारों तरफ जो है ये प्लास्टिक की शील्ड लगाई हुई है ताकि आप अंदर बैठ के खा सकते हैं और हवा जो है बाहर से क्लोज ना हो। लेकिन उससे भी ये देखें जी, दो टेम्परेचर इस वक्त जो है चल रहा है, उससे भी बड़ी बात देखें जी कि अंदर उन्होंने हीटर भी रखा हुआ है, तो क्या बात है जी, बड़ा अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। और इसी तरह ये देखें जी, ये इन्होंने दो बनाए हुए हैं और उधर भी हीटर पड़ा हुआ है, एक भाई उधर बैठे हुए हैं, ये हम इधर बैठे हुए हैं, इन्होंने सेटअप जो है अच्छा बनाया हुआ है। तो अब हम आए हैं खाने के लिए जी, खाना जो है वह हमने ऑर्डर कर दिया है, बस अभी खाना आता है। खाना आ गया है, हम पाकिस्तान में इसे चरगा कहते हैं, इधर भी हम चरगा ही कहेंगे जी, इधर ये जो भी इसको कहते हैं मुर्गी या जो भी कहते हैं, तो मुर्गी ना, तो बहरहाल जी मुर्गी आ गई है और रोटियां हैं। और हम उधर लीमू देते हैं और ये लीमू की जगह माल्टा देते हैं, तो माल्टा इसके ऊपर डाल के तो अब जो है ना रोटी शुरू करते हैं। खाना खाकर वापस जा रहे हैं, तो मैं आपको ये दिखाने लगा था, ये देखें जी, ये या तो कोई घर टाइप है या कुछ ना कुछ ज़रूर है, लेकिन ये आप देखें जी कि मिट्टी की दीवार और मिट्टी की दीवार के बाहर उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ ये विंडोज़ और ये देखें जी के पौधे वगैरह जो है उन्होंने रखे हुए हैं और ये कितनी खूबसूरती जो है उन्होंने बनाई हुई है। तो यही बात है जी कि ईरान जो है इन्होंने बहुत खूबसूरत ईरान है, इनके शहर जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और यही खूबसूरती जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। बहुत वेल मैनेज जो हैं ये लोग हैं और बड़ा जो है डिसिप्लिन है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों को पुलिस जो है वो रोड्स पर नज़र नहीं आती है, ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आती है। तो इस तरह के जो ममालिक हैं और इस तरह के जो मुल्क होते हैं डेफिनेटली फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की करते हैं। एक और खूबसूरत चीज़ जो कि मुझे नज़र आई, मैंने कहा आपको दिखाता हूँ, ये पढ़ें महल गज़ा दादन परिंदगान। और ये आप नीचे देखें जी, ये इन्होंने परिंदों के लिए जो है ये जगह बनाई हुई है और ये आप देख रहे हैं जी कि इसके अंदर जो है पानी मौजूद है और बाकायदा तौर पर इन लोगों ने बोर्ड बनाया हुआ है, लगाया हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, यकीन करें बहुत बड़ी बात है कि बाकायदा परिंदों के लिए उन लोगों ने इतनी बड़ी जो है वो जगह बनाई हुई है और यहाँ पर जो है पानी भी रखा हुआ है कि परिंदे वगैरह अगर पानी पीना चाहते हैं तो वो पानी वगैरह पी सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कोई भी इंसान जिसने पहले ईरान नहीं देखा होता वो यहाँ पर ईरान आता है तो वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होता है। होटल के करीब करीब हैं जी, ये एक सुपर स्टोर में आए हैं और यहाँ पर आप कैंडीज जो है वो देख सकते हैं। ईरान के अंदर कैंडीज हमने देखी हैं कि यहाँ पर कैंडीज जो हैं वो बेतहाशा किस्म की जो हैं वो पाई जाती हैं। ये आप देखिए जी, इस सुपर स्टोर के अंदर जो कैंडीज की आप सिर्फ देख लें कि कितनी अकसाम की जो हैं वो कैंडीज इन्होंने बनाई हुई हैं और खूबसूरती जो है वो कलैदा बात है, बड़ी खूबसूरती के साथ जो इस सुपर स्टोर को जो है वो सजाया हुआ है और मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो बाकी अशिया जो हैं वो भी पड़ी हुई हैं। लेकिन कैंडीज़ की ये देख लें जी, वो अलहदा कैंडीज़ हैं और ये वाली कैंडीज़ हैं, ये और कैंडीज़ हैं। तो इस मुल्क के अंदर, ईरान के अंदर कैंडीज़ ही जो हैं वो बहुत अकसाम की ये लोग बनाते हैं। और उसके अलावा ये देख लें जी, इस तरफ जो है इस तरफ भी कैंडीज़ पड़ी हुई हैं। तो माशाल्लाह जी, मुझे लगता है कि ये लोग शायद कैंडीज़ खाते ही बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक सुपर स्टोर था जी, सोचा कि जाते जाते ये भी जो है वो आप लोगों को दिखाता जाऊं। हमारा होटल जो है वो आ चुका है, अब जो है वो आपको होटल भी दिखाते हैं और जो कमरा हमने लिया है वो कमरा भी
मैं आपको दिखाता हूँ। होटल का जो सीन है वो कुछ इस तरह से है। जब हम आए थे तो हमें लगा कि शायद ये भी खंडर की तरह है, जैसा कि पहले दिन हम मीर जावा में गए थे और वो होटल जो है वो खंडर की तरह था। लेकिन यहाँ पर जो सीन है वो इस तरह से नहीं है। इनके जो रूम्स वगैरह हैं और जो इनका सेटअप है वो काफ़ी अच्छा जो है वो इन्होंने सेटअप जो है वो बनाया हुआ है, यानी कि इनके रूम्स अच्छे रूम्स हैं। और यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। वो मीर जावा के अंदर तो वो बिल्कुल खंडर भी था और सेटअप भी कोई ख़ास नहीं था, और पूरे होटल के अंदर थे भी हम अकेले ही। तो अब जो है जी वो आपको मैं जो है जाके रूम भी दिखाता हूँ कि रूम जो है हमारा वो कैसा है और जो हमें मिला है वो कितने का मिला है। तो ये जी इनकी रिसेप्शन है। हेलो ब्रदर। तो ये जो है ऊपर हमारा रूम है, जाके आपको रूम दिखाता हूँ जी। अब जो है वो कमरे की तरफ जा रहा हूँ। ये सीन है। और इसके अलावा जी ये जो है इनके रूम्स वगैरह हैं। हमारा रूम जो है वो है जी ये वाला 109, और बाकी कुछ सिस्टम जो है वो इस तरह से है। तो रूम हमने इनके दो रूम्स देखे हैं, एक तो हम अपने रूम में हैं वो देखा है, और दूसरा जो है वो एक और रूम देखा था। तो आपको रूम दिखाता हूँ। ओके जी, ये जो है जी हमारा रूम है, और यहाँ पर जो है जी ये दो बेड लगे हुए हैं, और तीसरा जो है वो हमने मैट्रेस बिछाना है, और मैट्रेस बिछाने के बाद यहाँ पर सोना है। ये फ्रिज पड़ी है, टीवी पड़ा है, और ये वॉशरूम है, और ये जो है जी अलमारियाँ हैं। तो ये जो रूम है जी हमें मिला है 4,60,000 तुमन में, जो कि पाकिस्तानी 3,066 रुपए बनते हैं। और आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ जी। वॉशरूम जो है वो काफ़ी बड़ा है जी, ये बेसन लगा हुआ है, और ये देखें जी वॉशरूम जो है वो काफ़ी बड़ा है, और ये इन्होंने शावर इधर है, और शावर के नीचे अलहदा इन्होंने ये जगह बनाई हुई है कि यहाँ पर जो है वो आप खड़े होकर या बैठ कर जैसे भी नहाना चाहें आप शावर ले सकते हैं, और वहीं से पानी की निकासी का जो है वो उन्होंने बंदोबस्त भी किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर भी उन्होंने पानी की निकासी का बंदोबस्त किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर भी, यानी कि अगर आप इसको उतार के नहाना चाहें, शावर लेना चाहें, तो पानी की निकासी का जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर भी है। तो इंशाल्लाह जी सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।